अमेरिका ने जब से ताइवान को अपने पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी थ्री मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है, तब से चीन गुस्से से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। ड्रगन ने न केवल ताइवान बल्कि अमेरिका का भी इन हथियारों के डील को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। $620 मिलियन की अनुमानित लागत वाले इस रक्षा सौदे से ताइवान की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। चीन अपनी ताकत के बल पर ताइवान को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन ताइवान है कि चीन को सबक सिखाता रहता है। इन दोनों देशों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी। ड्रैगन ताइवान को भी अपना क्षेत्र मानता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में चीन का आक्रामक रवैया तेज हो चुका है, जिसे देखते हुए ताइवान ने अपने सालाना युद्धाभ्यास में इस बार पहले से ज्यादा डिफेंस तकनीकों का इस्तेमाल किया है और मौजूदा समय में दोनों के बीच तल्खी इस युद्धाभ्यास को दिखा रही है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम अपनी जमीन और चीन के घुसपैठ को रोकने में सक्षम हैं। अगर चीन ने कोई गैर वाजिब हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन और ताइवान के बीच चल रही इसी तल्खी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे ये दोनों देश युद्धाभ्यास के बहाने बाहर निकाल रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन ताइवान में तनातनी। ताइवान में लगातार हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहे चीन को अब ताइवान ने अपनी ताकत दिखाई है। ताइवान ने कहा है कि वो चीन की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ताइवान की सेना ने युद्धाभ्यास किया और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर चीन को एक तरह से अपनी ताकत का एहसास करवाया है। इस दौरान ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन खुद वहां पर मौजूद रही और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ये चीन को बताना चाहते हैं, हम अपनी जमीन पर चीनी घुसपैठ को रोकने में सक्षम हैं। दरअसल चीन और ताइवान के बीच साउथ चाइना सी को लेकर सैन्य टकराव गहराता जा रहा है। ड्रैगन ताइवान को भी अपना क्षेत्र मानता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में चीन का आक्रामक रवैया तेज हो चुका है। 1984 से ताइवान ड्रिल करता आ रहा है, जिसका मंदारिन में मतलब है खोया हुआ क्षेत्र वापस हासिल करना। ताइवान ने अपनी ताकत से ड्रैगन को डराया। ताइवान के मिलिट्री ड्रिल में 8,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स और स्वदेशी फाइटर जेट चिंगकुओ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मध्य ताइवान के तटीय इलाके ताइचुंग में हुए इस सैन्य अभ्यास में टैंक्स भी गरजे। इस युद्धाभ्यास को हान कुआंग नाम दिया गया था। ताइवान ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कई बार ताइवान के ऊपर अपने फाइटर जेट्स उड़ा चुका है। हालांकि इसका जवाब ताइवान की वायुसेना ने बहादुरी के साथ दिया और चीन के विमानों को हवाई सीमा से खदेड़ दिया। चीन का दावा है कि ताइवान के कुछ द्वीप उसकी टेरिटरी में आते हैं, जबकि ताइवान कहता है कि ये द्वीप उसके हैं। हान कुआंग ताइवान की सेना का सालाना युद्धाभ्यास कराने वाला इलाका है। इसमें ताइवान की तीनों सेनाएं अपनी ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती हैं। ताइवान ने तामसुई नदी के पास जोरदार युद्धाभ्यास किया। तामसुई नदी के ठीक दूसरी तरफ समुद्र उस पार चीन है। ताइवान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट जहां समुद्र के अंदर भीषण बमबारी करते दिखे, तो उसकी तोपों ने भी खूब आग उगली। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाली चीनी सेना इस शक्ति प्रदर्शन को चुपचाप देखने को मजबूर है। अपने इस युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की नौसेना ने भी अपना ताकत का एहसास करवाया। ताइवान की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तटों के पास मिसाइल और मशीन गन से सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के कई लड़ाकू युद्धपोत समुद्र में देखे गए। चीनी सेना ने भी दिखाई अपनी ताकत। तामसुई नदी पर युद्धाभ्यास का महत्व काफी ज्यादा है। इस नदी के किनारे पर ताइवान है तो दूसरी ओर चीन है। चीन के फाइटर जेट पिछले कुछ वक्त में ताइवान के काफी नजदीक आ चुके हैं। वहीं चीन भी ईस्ट चाइना सी में बोहाई समुद्र के तट पर युद्धाभ्यास कर रहा है, जहां से वो ताइवान तक पहुंच सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की थल सेना ने यहां अपने हथियारों के साथ कई ड्रिल की। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम की प्रैक्टिस भी की गई, साथ ही रडार से उपकरण ना जमा हो इस क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई। चीन से टक्कर लेने की तैयारी कर रहा है ताइवान। राष्ट्रपति साई इंग वेन इस साल जनवरी में चुनकर सत्ता में आए हैं। उन्होंने आते ही कहा था कि वे चीन के आगे कभी नहीं झुकेंगे। इसके बाद उन्होंने 10 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया था। उधर अमेरिका भी ताइवान को आधुनिक मिसाइल दे रहा है, जिसके बाद चीन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अब चीन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और अब वो कई देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। ताइवान चीन के खिलाफ किसी भी तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो देश के राष्ट्रपति को चीनी सेना के हाथों किडनैप होने की स्थिति से निपटने की भी प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा 10 साल में पहली बार लाइव टारपीडो टेस्ट भी किया जाएगा। यही नहीं, एक ऐसी बटालियन भी युद्धाभ्यास का हिस्सा होगी जिसमें स्नाइपर और सैनिक होंगे जो मानव रहित एरियल व्हीकल्स और पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर्स को ऑपरेट करेंगे। ताइवान की वजह से अमेरिका चीन में ठनी। ताइवान पर जबरन कब्जा का सपना देख रही चीनी सेना इस युद्धाभ्यास के खिलाफ चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। चीनी सेना का एक जहाज इस इलाके में तैनात है, लेकिन वो केवल ताइवान की गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। 2,40,00,000 की आबादी वाला ताइवान चीन की मुख्य भूमि से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोनों के बीच ताइवान स्ट्रीट है जो उन्हें अलग करता है। चीन ताइवान पर कब्जा तो करना चाहता है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में इन दिनों 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अमेरिकी विमान वाहक पोत चीन के हमले की सूरत में उसे तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इसी डर से चीन चाह कर भी ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। अमेरिका ने इस अभ्यास को देखते हुए अपना जासूसी विमान भी लगातार इस इलाके में तैनात कर रखा है।